focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. अनेक देशों के राजदूत महोदय और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं विनय जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि आज विश्व संस्कृति दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल जी की स्मृति में उन्होंने इस व्याख्यानमाला का शुभारंभ किया, क्योंकि विश्व संस्कृति दिवस के अवसर पर जो विषय इन्होंने रखा है वो भी प्रासंगिक है और दीनदयाल जी की स्मृति में रखा है ये भी प्रासंगिक है। और उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी आप लोगों के प्रति कि इस व्याख्यान माला के पहले व्याख्यान के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। मित्रों, इस व्याख्यान का विषय है सॉफ्ट पावर, कूटनीति का मधुर पहलू, भारत का सामर्थ्य। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो शब्द है सॉफ्ट पावर, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में बहुत पुराना नहीं है। मात्र 28 वर्ष पहले सन 1990 में हार्वर्ड के प्रोफेसर जोसेफ नी ने इस शब्द को गढ़ा था। और क्यों गढ़ा था? क्योंकि 90 के दशक में चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे तत्व ऐसे बाहर आ गए हैं जो कूटनीति को प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा कि सॉफ्ट पावर, सबको लगा सही शब्द है, पूरे विश्व ने अपना लिया। लेकिन उसके बाद इस शब्द की व्याख्याएं होने लगी कि सॉफ्ट पावर के मतलब क्या है, अर्थ क्या है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन, अलग अलग व्याख्याएं होती रही। जिस समय यह विषय मुझे दिया गया बोलने के लिए, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि इस शब्द की व्याख्या तो करूं, तो अगर मैं सच कहूं तो सबसे पहले, क्योंकि अकबर यहां विद्वान बैठे हैं, मुझे इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर विरोध दिखाई दिया, सॉफ्ट और पावर। अगर हम सॉफ्ट का हिंदी अनुवाद करें तो आम देहाती भाषा में आएगा नरम या मुलायम, और साहित्यिक हिंदी में करें तो आएगा कोमल या सौम्य। ये दो शब्द इसके अनुवाद में एक देहाती प्रचलन में और एक साहित्यिक हिंदी में आते हैं। और अगर हम पावर का अनुवाद करें तो शब्द निकलता है शक्ति या ताकत, आम शब्द शक्ति, साहित्यिक में ताकत। मुझे दोनों में कोई तालमेल नहीं लगा। ताकत कभी नरम नहीं होती, शक्ति कभी कोमल नहीं होती। फिर मैंने अपने मन में चित्र बनाया कि पावर कहते ही क्या दिमाग में आता है, तो आता है सिंह, शेर। और कोमल या मुलायम कहते ही क्या दिमाग में आता है, खरगोश। मुलायम निगोद में बिठाओ, उससे ज्यादा मुलायम तो कोई पशु नहीं। फिर मैंने पक्षी की तरफ निगाह मारी तो पावर कहते मुझे दिखाई दिया बाज, और कोमल देखते ही मुझे दिखा तोता। उसके शरीर पे हाथ फेरो, कोमल कोमल गोदी में बिठाओ, खरगोश को गोदी में बिठाओ, तो मुझे लगा ना तो खरगोश और सिंह में कोई तालमेल है, ना तोते और बाज में कोई तालमेल है। तो मुझे लगा कि जोसेफ नी ने क्यों ये शब्द गढ़ा, तो मुझे लगा उन्होंने, हम लोग जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो कहते हैं दिस इज हार्ड कोर डिप्लोमेसी, और अब तो आम भाषा में भी आने लगा अगर चार जन इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हो और सवाल पूछा जा रहा हो, यार तू सहमत है कि नहीं, तू सहमत है कि नहीं, कोई कह दे मैं सहमत हूँ, दूसरा कह दे मैं सहमत नहीं हूँ, और तीसरा कोई गोल गोल बात करे, पता ही ना चले वो सहमत है या असहमत है, तो कहते यार ये तो हार्ड कोर डिप्लोमेट है। तो हार्डकोर डिप्लोमेसी में जो लगा उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने हार्ड का विपरीतार्थक ढूंढ दिया और हार्ड का विपरीतार्थक सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट पावर शब्द बन गया। लेकिन मुझे लगा तू भी इसकी व्याख्या तो करनी चाहिए, ये है क्या सॉफ्ट पावर शब्द, हमने जस्ट का तस अपना लिया, पूरे विश्व ने अपना लिया तो हमने भी अपना लिया, लेकिन सॉफ्ट पावर वाकई है क्या?
तो मैंने हार्डकोर डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर में अंतर क्या है ये देखा टू गवर्नमेंट, और इसलिए उसको संचालित कौन करते हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के अफसर, सरकार के एम्बेसडर्स। लेकिन सॉफ्ट पावर, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, इट्स एन एब्सोल्युटली पी टू पी अफेयर, पीपल टू पीपल। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, ब्रिटेन में बैठा हुआ कोई ब्रिटिश ये चाहे कि मुझे इंडियन फूड खाना, भारतीय खाना खाना है, तो उसे अपने सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। वो उठेगा, इंडियन रेस्तरां में जाएगा, अपने मनपसंद का खाना मंगवाएगा और खा के तृप्त होके आ जाएगा। इसी तरह रूस में बैठा अगर कोई रूसी भारत का गीत या संगीत सुनना चाहे, तो उसे सरकार के पास एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं, वो अपने मनपसंद का म्यूजिक डाउनलोड करेगा, सुनकर आनंदित होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि लोक संपर्क से उपजा हुआ, मन को आनंदित और आत्मा को प्रफुल्लित करने वाला ये पहलू कूटनीति का मधुर पहलू है, सबसे मधुर पहलू। और इसलिए जब विनय जी ने मुझे कहा कि मैं हिंदी में कार्ड पे क्या लिखवाऊं, तो मैंने कहा आप लिखवाइए सॉफ्ट पावर, कूटनीति का मधुर पहलू भारत का सामर्थ्य। तो इसलिए इसको कूटनीति का मधुर पहलू कहा गया, क्योंकि इसमें से सरकार नदारद होती है, ये लोगों के संपर्क पर चलता है, और कई बार तो सरकार की पाबंदी के बावजूद लोग उस पाबंदी को नहीं मानते हैं और इस लोक संपर्क को बनाए रखते हैं। और ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत बार बिगड़े हुए रिश्ते इसी लोक संपर्क और सॉफ्ट पावर के माध्यम से वापस पटरी पर आते हैं, ये ताकत है इसकी। तो ये कूटनीति का मधुर पहलू जो है, अब हम देखेंगे कि उसमें भारत की सामर्थ्य क्या है। जब मैं भारत के सामर्थ्य की तरफ निगाह मारने लगी, तो सबसे पहले मुझे दिखाई दी भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर। और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे 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 मैं दीनदयाल जी को पढ़ती थी, भारतीय संस्कृति के ऊपर उनके कुछ बहुत सुंदर कोट्स हैं। एक कोट उनका मैं लाई हूँ जो आपके सामने रखूंगी। यदि राष्ट्र की संस्कृति अनाहत है, अनाहत मतलब बरकरार है, यदि राष्ट्र की संस्कृति बरकरार है तो सब वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। संस्कृति है तो धन भी प्राप्त हो सकता है, संस्कृति है तो राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, और राष्ट्र की संस्कृति है तो सब संसार में सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। राष्ट्र को जीवन देने वाली वस्तु केवल संस्कृति होती है। पहले दो वाक्यों में उन्होंने संस्कृति का महत्व समझाया कि संस्कृति में वो ताकत है कि उससे धन भी प्राप्त हो सकता है, राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि इससे विश्व में सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, तो इन्होंने इसको एज सॉफ्ट पावर महत्व उन्होंने समझाया। और दूसरी वे संस्कृति कैसे सॉफ्ट पावर बन सकती है, और अगर हम विश्व को कुछ सिखा सकते हैं तो केवल अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सिखा सकते हैं, अपनी संस्कृति के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहला पहलू सामर्थ्य का लूं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बहुत आयाम हैं, लेकिन मैं केवल तीन आयाम छूना चाहूंगी यहां। सबसे पहला आयाम है भारतीय संस्कृति का संतोष और अहिंसा। हमें इतना संतुष्ट बनाया है हमारी संस्कृति ने कि जो हमें मिला है प्रकृति से हम उससे संतुष्ट हैं। हमें ना किसी की एक इंच जमीन चाहिए, ना किसी का एक बूंद पानी। हम ना उपनिवेशवादी हैं, ना विस्तारवादी हैं। वी आर नाइदर इंपीरियलिस्ट नॉर एक्सटेंशनिस्ट। इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी को कॉलोनाइज नहीं किया, और जब हम ब्रिटिश कॉलोनी बने तो उससे भी बाहर निकलने का, आजादी प्राप्त करने का अस्त्र हमने अहिंसा और सत्याग्रह को बनाया। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी, ये सब अहिंसा परमो धर्म की विरासत हमें देकर गए।
और आज मुझे खुशी है आपको ये जानकारी देते हुए कि भारतीय संस्कृति के इस आयाम को संयुक्त राष्ट्र ने भी स्वीकारा। 2 अक्टूबर का दिन संयुक्त राष्ट्र में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में माना गया है। हर 2 अक्टूबर को हम ये मनाते हैं, वहां के मिशन में द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भी मनाया जाता है। और हमारे इस संतोष के कारण कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं देखती हूँ जब प्रधानमंत्री जी के साथ अन्य देशों के नेताओं से बात करते हुए, बहुत छोटे छोटे देशों के नेता आते हैं, किसी की आबादी 10,000 है, किसी की आबादी 50,000 है, किसी की आबादी 1,00,000 है। या दिल्ली के साथ ही बैठकर हमको कहते होंगे कि क्या अकेली दिल्ली में 100 देश बन जाते हैं, इतने इतने कम आबादी वाले देश हैं, हैं। लेकिन वो भी जब आकर बैठते हैं तो कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर मन में उनके ये आश्वस्ति है कि भारत हमारी मदद तो करेगा लेकिन हमसे कुछ छीनेगा नहीं, हमारे साधन सुरक्षित रहेंगे। और यही कारण है भारतीय संस्कृति के इस आयाम की सॉफ्ट पावर को देखते हुए आज विश्व भारत को एक मददगार राष्ट्र तो मानता है मगर शोषक देश नहीं मानता। और बाजार के केंद्र में व्यापार है, परिवार के केंद्र में प्यार है, बाजार में नफा नुकसान होता है, परिवार में सम्मान होता है। बाजार में माल बिकता है, परिवार में मोह पलता है। बाजार में कलह होती है, परिवार में सुलह होती है। इतना बुनियादी अंतर है वैश्वीकरण और वसुधैव कुटुंबकम के बीच में, और इसीलिए बाजार में द्वेष होता है, परिवार में प्रेम होता है। और इसी वसुधैव कुटुंबकम के कारण ये प्रेम का प्रवाह, ये प्रेम की धारा, ये प्यार भारत सब ओर उंडेलता है। जब भी कोई आता है सॉफ्ट पावर, बहुत बड़ी ताकत है। इसी संस्कृति का तीसरा आयाम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। अभी अभी अगर आप देख रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक तूफान आया है प्रोटेक्शनिज्म का, संरक्षण वाला, जिसके केंद्र में केवल मैं है। लेकिन भारत अपनी संस्कृति के माध्यम से कहता है मैं नहीं हम, वी अस एंड आवरसेल्व्स। और जब वी की बात करता है तो ऑल की बात करता है। क्यों करता है? मैं हमने भी कहा लेकिन क्या कहा? आत्मवत सर्वभूतेषु। मैं मतलब जैसा मैं हूं सभी प्राणियों को मैं उस जैसा देखूं, आत्मवत मैं, पर मेरे जैसा, मैं जैसा हूं सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों को वैसा ही देखूं। अगर मैं सभी प्राणियों को एक सा देखता हूं, अपने जैसा देखता हूं, तो प्रोटेक्शनिज्म की कोई जगह नहीं रह जाती, संरक्षणवाद की कोई जगह नहीं रह जाती, क्योंकि मैं और दूसरा प्राणी अगर एक है तो मैं किसको प्रोटेक्ट करूंगा? अगर खुद को प्रोटेक्ट करूंगा तो उसको भी प्रोटेक्ट करूंगा, अगर अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराऊंगा तो उसके लिए भी कराऊंगा, अपने लिए खाना तय करूंगा तो उसके लिए भी तय करूंगा। इसलिए ये जो संरक्षणवाद है, मुझे दुख हुआ उस दिन मैं पिछली बार जब यूएनडी में बोल रही थी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने आकर वहां ये बात कही थी कि मेरा नारा है मी फर्स्ट, उसके बाद मेरा सी लैब के साथ मीटिंग थी, सी लैब मतलब साउथ अमेरिका के सारे देश, एक मीटिंग होती है यूएनडीए में जिसमें भारत के साथ सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लेते हैं, उसको कहते हैं सी लैब प्लस वन। वहां बैठते ही जैसे मैंने चर्चा शुरू की, फिर बहुत छोटे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा, मैं पहले मुझे ये बताइए कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मी फर्स्ट, अगर सब लोग आप मी फर्स्ट कहने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे देश में तो ताकत नहीं है ना आज अपने लोगों को खिलाने की, ना आज अपने लोगों के लिए कोई सुविधा मुहैया कराने की। अगर आप सब मी फर्स्ट कहने लगेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा?
तो मैंने वहाँ ये कहा कि भारतीय संस्कृति मी फर्स्ट वाली नहीं है। मैंने कहा आपने मेरा भाषण आप कल सुनेंगे, उसमें होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, और जब सब सुखी हो तो सबके लिए खाने का प्रबंध होगा, सबके लिए सुरक्षा का प्रबंध होगा। इसमें मुझे बहुत सुंदर कोट मिला दीनदयाल जी का, विनय जी शायद आप साक्षी होंगे उसके, बहुत ही बढ़िया कोट। उन्होंने कहा जो कमाएगा वो खिलाएगा और जो खाएगा वो कमाएगा। प्रोटेक्शनिज्म का इससे बेहतर जवाब इतना छोटा नहीं है, क्योंकि हमारी कौटुंबिक परंपरा आज इसी पर चल रही है। कुटुंब में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो जब पढ़ लिख जाता है कमाने लगता है तो सबको खिलाता भी है, छोटे भाई बहनों को पढ़ाता भी। तो जो कमाएगा वो खिलाएगा। हमारे यहाँ जो सबसे पहले कमाना शुरू करता है बाकी सबको खिलाता है, लेकिन जो खाएगा वो कमाएगा। जब खा पीकर वो पढ़ लिख जाएगा तो वो कमाएगा, और फिर दोनों कमाएंगे परिवार को खिलाएंगे, और औरों को पढ़ाएंगे, जब वो पढ़ जाएंगे तो वो कमाएंगे। यही है देशों की स्थिति। जो कमाएगा वो खिलाएगा, मतलब आज जिसके पास संपन्नता है, आज जो धनवान है, आज जिसके पास समृद्धि है, आज जिसके पास पैसा है, वो उन सबको खिलाएगा जो है।